केंद्र में मोदी सरकार के कार्यकाल के 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा छत्तीसगढ़ सहित देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी सिलसिले में जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण में हुई आम सभा में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी शामिल हुए। इस मौके पर विभिन्न लोगों ने भाजपा की सदस्यता ली, जिसका केंद्रीय मंत्री श्री कुलस्ते और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने स्वागत किया। इस मौके पर आमसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने बीते 9 वर्षों के दौरान गरीब लोगों के जीवन में बदलाव लाने का काम किया है। उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए एक ओर जहां केंद्र सरकार की जनहितकारी योजनाओं का उल्लेख किया, वहीं दूसरी ओर उन्होंने राज्य की भूपेश सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और अनियमितता के आरोप भी लगाए। प्रधानमंत्री ने जो काम किया है, हमने इस विकास को आधार बना करके आम जनता के हित में रेलवे का विषय हो, हमारे एयरपोर्ट्स हो, और चाहे वो शिपिंग का हो, और चाहे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, हमने इन गरीब कल्याण की योजनाओं के लिए 80 करोड़ लोगों को हमने निःशुल्क अनाज देना, प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला का कनेक्शन 9 करोड़ 50 लाख माता बहनों को हमने दिया, गांव-गांव तक प्रधानमंत्री सड़क योजना, और अगर मैं महिलाओं के बारे में कहूंगा तो मेरे पास जो मैं काम कर रहा हूं, मैंने अनुभव किया, आज तक इस देश में 14 के पहले 2 करोड़ 35 लाख माता बहनें अभी तक SHG से जुड़ी थी, 14 के बाद आज तक की तारीख में आज 9 करोड़ माता बहनें जुड़ी, करीब 84 लाख समूह हैं, और ये बहुत बड़ा परिवर्तन आज देश के अंदर हुआ है। भूपेश जी को तो भोगना पड़ेगा जो मैं अनुभव कर रहा हूँ। आम जनता के हित में कोई ऐसा नया काम नहीं किया जो रमन सिंह जी ने 15 वर्षों के कार्यकाल में किया, इस सरकार ने, कांग्रेस ने, भूपेश जी ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण एक बार जनता ने उनको आशीर्वाद दिया है, परंतु मैं ये विश्वास से कह सकता हूं कि काम के आधार पर आने वाले समय में जब नवंबर में विधानसभा चुनाव होंगे तो निश्चित भारतीय जनता पार्टी की जीत पक्की हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री के जांजगीर प्रवास के दौरान उनके साथ सांसद गुहाराम अजगल्ले और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल भी मौजूद थे।